अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने नए व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाने का तरीका का थोड़ा समझा दूँ। जो पुराने अटैच हैं उनको तो सारी बात का पता है, वो वीडियो को आगे करके डायरेक्टली इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो नए व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, व्यूवर्स इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को, जो टॉपिक है, यानी डिफरेंट वीडियोस हैं इस लेक्चर से पहले। तो डिफरेंट वीडियोस के अंदर हमने एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स को स्टडी किया है। अब ये जो वीडियो है, ये जो हमने पीछे पढ़ा है उसकी ये असेसमेंट है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसको सॉल्व करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने पीछे पढ़ा है, जो पीछे स्टडी किया है, उसकी हमें कितनी समझ आ गई है, क्योंकि इसके रिजल्ट से। और दूसरा, इसको सॉल्व करने से आपको स्टूडेंट्स को जो है वो एक प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, आप ग्रामर के रूल्स पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो लैंग्वेज नहीं आ सकती। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके थ्योरी को पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रैक्टिस के लिए मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स को ज़रूर मुहैया करता हूँ, तो ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस भी साथ होती रहे, उनकी सेल्फ असेसमेंट भी होती रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं करता हूँ। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के, बल्कि हर वीडियो के एंड पे ही सजेस्टेड बुक्स या रिकमेंड बुक्स की जो एक लिस्ट दी गई है, तो आप उन बुक्स को जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इन बुक्स के अंदर जो है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स को जो है वो पढ़ सकते हैं। ये सारी बुक्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा बुक्स का वैसे जायज़ा ले लें, बुक स्टॉल के ऊपर जाके एक आध बुक जो है वो परचेज कर लें। जब वो आप क्लियर कर लें और आप ये समझें कि मज़ीद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर आप नई बुक परचेज़ कर लें। एक ही बार में सारी बुक्स को जो है वो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो आते हैं अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। उसमें इसको आपने हाल इस तरह करना है कि ये 25 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने वीडियो को पास करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस साइड पे आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन आपने आंसर्स को पहले नहीं देखना। आप जब स्क्रीनशॉट ले लें तो आंसर्स वाले हिस्से को आपने हाथ रख के या जैसे भी है इसको छुपा लेना है। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ते हुए इनके आंसर्स खुद से अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, और अपने जो आंसर्स हैं उनको यहाँ पे दिए गए वो आंसर्स के साथ बाद में आपने टैली कर लेना है, तो वो आपका रिजल्ट होगा। 25 हैं, 25 आंसर्स हैं, 25 सेंटेंसेस होंगे, जितने आपके गलत हो जाएं वो टोटल में से माइनस हो जाएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने। अगर आपकी एक आध गलती है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसकी आपको समझ आ गई, ठीक है। तो मज़ीद इसके बाद आप नेक्स्ट फौरन से प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 पे चले जाएँ। 2 इसलिए दिए ताकि आपकी डबल असेसमेंट हो जाए। अगर आपकी, यानी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट वीक आ रहा है, यानी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, तो फिर आप क्या करें, आप फौरन से प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 को सॉल्व ना करें। आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बाद पीछे फिर जाएं, रिवाइज़ करें जो आपने पढ़ा है, क्योंकि अभी आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब अभी आपको प्रॉपर समझ नहीं है, वो रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद फिर आप जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 जो है वो सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 और 2 का जो कंपैरेटिव रिजल्ट होगा उससे आपको, आप अपना एनालाइज कर सकते हैं कि जब आपने दोबारा स्टडी किया पिछले टॉपिक्स को तो उस वक्त उसके बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, इसके बाद एक दूसरी भी है, ये पहली है। तो यहाँ पे ये जो आंसर्स दिए गए हैं जो रेड फॉर्म में है, रेड इंक के अंदर, ये एडजेक्टिव्स हैं, और जो ग्रीन के अंदर हैं ये एडजेक्टिव्स की कैटेगरी को जो है मेंशन किया गया, उसकी काइंड को। ये जो हमने लिखा भी हुआ है इस एक्सरसाइज में, आपने 2 चीज़ों को जो है मालूम करना है। एक तो ये आपने देखना है कि इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव के तौर पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि ये एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव की कौन सी काइंड है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये क्वालिटी एडजेक्टिव क्वालिटी है, ये नॉमिनेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि ये देखें सेंटेंस नंबर 2 है, इसमें लिटल जो है ये एडजेक्टिव है, ये देखें लिटल लिटल, और ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह तीसरे सेंटेंस में इल और एनी,
दो वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुए हैं, इल जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है और एनी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एक से ज़्यादा भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, जितने हैं आपने सबको ही आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वर्ड हैं ये दो हैं तीन हैं चार हैं एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहे हैं और साथ में आपने उनकी कैटेगरी को मैंशन कर देना है। तो व्यूअर्स अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक, खुदा हाफिज़।